सर, आजकल मैं देख रहा हूँ बैंकों में, देश भर के बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड्स, फोर्जरी के केस सामने आ रहे हैं। लेकिन उसमें अगर सरकार की एजेंसी भी शामिल हो तो चिंता की विषय है। सर, केंद्र सरकार ने मल्टीपल इंश्योरेंस और पेंशन की बहुत सी योजनाएं शुरू की है आम जनता के लिए, लेकिन जो तथ्य, जो फैक्ट सामने आया है, मुझे लगता है ये इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम, ये बिगेस्ट बैंक का स्कैम उसमें नजर आ रहा है। संजय जी, आस्क योर पॉइंटेड क्वेश्चन। सर, ये जो बैंक है या इंश्योरेंस कंपनी है, मेरी जानकारी से जब कोई ग्राहक 10-15 साल के लिए पॉलिसी साइन करता है तो प्रीमियम के लिए सहमति भी देता है, जो उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। अधिकांश ग्राहक 2 से 3 वर्षों में के बाद प्रीमियम का भुगतान बंद कर देता है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियों के पास बहुत सारा अनक्लेम फंड पड़ा हुआ है। और बैंक दावा करता है कि ये जो आकस्मिक बीमा कवरेज है, जो बैंकों द्वारा चार्ज की गई प्रीमियम की राशि सरकार द्वारा खातों धारकों की सामाजिक सुरक्षा पर खर्च की जाती है। संजय जी, प्लीज आस्क योर सप्लीमेंट्री। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, गत 3 वर्षों में दुर्घटना बीमा क्लेम के रूप में कितने परिवारों को आपने ये राशि वितरित की है? ऑनरेबल मिनिस्टर महोदय, सभागृह के ज्येष्ठ सदस्य संजय जी राउत, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज किया है। सरकार के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं जो गरीब लोगों के लिए और अनप्रिविलेज लोगों के लिए चलती है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, और पेंशन योजना जो अटल पेंशन योजना है। इनके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट 3 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 3 साल में जो कलेक्शन हो चुका है या इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं, अभी तक के क्यूमुलेटिव अगर इफेक्ट देखे तो 18,50,71,000 इतना लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है जिन्होंने विथ मैंडेट इंश्योरेंस का रहा है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से 41,59,00,000 लोगों को फायदा हो, क्यूमुलेटिव हो चुका है। अगर उसका अगर देखें, ये दोनों स्कीम के माध्यम से अगर जनता को जो फायदा मिल चुका है वो 7,46,675, यानी क्यूमुलेटिव मैं बात कर रहा हूँ। और अगर अमाउंट की अगर बात करें तो अमाउंट भी 14,32,02,74 मिला है। तो ऐसी ये 2 स्कीम्स जो प्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है, उनके लिए ऐसा कोई ये नहीं है कि जो बैंकिंग के पास ज़्यादा ये है। पहले 3 साल में तो ये स्कीम लॉस में चल रही थी और बाद में रिव्यू करके इसी को अभी जो प्रीमियम 12 रुपीज़ था वो 20 रुपये किया है, और जो जीवन ज्योति बीमा में 330 रुपये था अभी 436 रुपये किया है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री संजय राउत। प्रश्न अलग था, आपने जवाब अलग दिया है। मैंने ये पूछा था कि विदाउट कंसेंट आप बैंक अकाउंट से प्रीमियम आप जमा कर रहे हो, ये मेरा सवाल था, लेकिन मैं आगे पूछता हूँ। हाँ दीजिए। क्लियर मैंडेट है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अगर कस्टमर से पैसा लेना है तो उनका सिग्नेचर लेना जरूरी है, उनका कंसेंट लेना जरूरी है, उसके सिवाय पैसा कटा नहीं जाता और उनका इंस्टॉलमेंट नहीं लिया जाता। दैट इज अ क्लियर इंडिकेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। श्री संजय राव, सेकंड सप्लीमेंट्री। एक्सीडेंट इंश्योरेंस योजना है और सरकार उसमें मुआवजा देती है, लेकिन एक्सीडेंट में व्यक्ति के हाथ पांव आँख या ऑर्गन डैमेज होने पर आप मुआवजा देते हैं या उनकी मौत होनी चाहिए मृत्यु के बाद ही देते हैं, क्लियर नहीं है। एक्सीडेंट बीमा योजना के बारे में पूछ रहा हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, ये एक्सीडेंट योजना में क्लियर
है जिसमें अगर डेथ हो गया, इट इज़ अ एक्सीडेंटल डेथ, और एक्सीडेंट का डेफिनेशन भी दिया है गवर्नमेंट के माध्यम से, एक्सेप्ट सुसाइड, ऑल डेथ्स आर कंसर्ड एज एक्सीडेंट डेथ, एक्सेप्ट सुसाइड एंड एक्सेप्ट विलनेस, मीन्स एक्सीडेंट होना चाहिए, देर शुड बी हर्ट फ्रॉम द हिट फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज एक्सीडेंट। अगर सुसाइड किया तो वो एक्सीडेंट नहीं माना जाता, इवन आई एम सेइंग मर्डर भी किया तो दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट, और उसको इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है। अगर इसी में 2 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है, अगर उनको इररिकवरेबल 2 आईज चले गए, दैट इज अ परमानेंट डैमेज टू द आईज, देन 1 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है। अगर दोनों हाथ चले गए तो उनको 1 लाख मिल सकता है इंश्योरेंस, और दोनों पांव चले गए तो उनको 1 लाख इंश्योरेंस मिल सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक आँख चली गई और एक हाथ चला गया, स्टिल ही विल गेट इंश्योरेंस ऑफ 1 लाख रुपीज। कभी कभी एक हाथ और एक पांव चला गया, कटा गया, तो भी उनको इंश्योरेंस 1 लाख का मिलता है। लेकिन इसमें 2 ऑर्गन्स इज एसेंशियल इन दिस रूल।